ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। पुलिस की सारी व्यवस्था को धता बताकर नगर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। हजारों की तादाद में जुमा की नमाज के बाद अचानक बड़ी तादाद में निकलकर आए प्रदर्शनकारी पुलिस के उड़े होश। प्रदर्शन के दौरान नहीं हुई किसी प्रकार की कोई हिंसा। फतवों की नगरी देवबंद में एनआरसी को लेकर विरोधी प्रदर्शन को पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने के तमाम उपाय आखिरकार बौने साबित हुए और प्रदर्शनकारियों ने हजारों की तादाद में ऐतिहासिक मस्जिद रशीदिया पर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान खानकाह चौक के निकट एक प्लॉट की दीवार अचानक भर भरा कर गिर गई और इस पर खड़े कई लोग दीवार के मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने ही मलबे से बाहर निकाला, लेकिन दीवार के मलबे में दबकर करीब 4 लोग घायल हो गए। प्रदर्शन का अंदाजा शुक्रवार को सुबह उस समय से ही लग गया था जब नगर के बाजार बंद होने शुरू हो गए थे और विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। बाद में दूसरे समुदाय के लोगों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। इस प्रदर्शन में हजारों की भीड़ जमा रही। लोगों के हाथ में तख्तियां और स्लोगन लिखे हुए कागज थे। लोगों ने एसीसी को काला कानून बताते हुए इस पर जमकर हल्ला बोला। हालांकि कई दिनों से पुलिस भी इस मामले को लेकर बहुत ही सक्रिय थी कि जुम्मा की नमाज के बाद देवबंद में कोई विरोध प्रदर्शन अवश्य होगा और पुलिस प्रशासन की आशंका बिल्कुल ठीक निकली। हजारों की तादाद में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकल आए और मस्जिद रशीद से खानकाह चौक तक लोगों ने इस कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि सुबह से ही पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद थी। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसएसपी दिनेश कुमार पी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए थे। उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने सारी पुलिस व्यवस्था को धता बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं पुलिस से भी चूक हुई। देवबंद के मुख्य चौराहों पर पुलिस ने कहीं पर भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की थी, जिसके चलते भारी तादाद में मौजूद प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र पुलिस फोर्स के साथ यहां डटे हुए थे और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने खानकाह पुलिस चौकी से आगे नहीं बढ़ने दिया। जब पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन दीवार ढहने के हादसे के बाद यहीं से भीड़ वापस हो गई और कई छोटी छोटी टुकड़ियों में इधर उधर घूम घूम कर सीएए और एनआरसी कानून वापस लोग के नारेबाजी करते घूमते रहे। ये चाह रहे हैं जो एनआरसी और ये लागू हुआ है, सर ये हम लोगों ही समझ से परे है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका स्पष्टीकरण चाहिए हम लोगों को। और अगर मुसलमानों पे इस पे कोई आदिती नजर नहीं आ रही है, मुसलमानों पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, फिर ये मतलब जो शांति के नाम पे दंगे हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? सरकार से जवाब चाहिए हम लोगों को। तो आज आपने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं क्या? जी सर, दुकानें बंद करने का कारण मैंने ये है कि हम भी सरकार से ये चाहते हैं कि ये जो बिल लागू हुआ है ये मतलब इस पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए। हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। बार बार मुसलमान क्यों निशाने पे आता है? तो क्या आप इस बिल के विरोध में ये दुकानें बंद कर रखी हैं? यस सर, बिल्कुल ठीक।